स्टूडेंट्स, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इकोनॉमिक्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट नंबर 6, इंडिफरेंस कर्व फीचर्स, फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। और जिन इंडिफरेंस कर्व की जितनी प्रॉपर्टीज या जितने फीचर्स हैं उन टॉपिक को हम यहाँ पे कवर करेंगे। सो लेट अस मूव ऑन अनदर टॉपिक, न्यू टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व और फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। फीचर्स में सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे, इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड इंडिकेट करता है। इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है हमेशा दो कमोडिटी यानी टू कमोडिटी का कॉम्बिनेशन को लेकर डाउनवर्ड क्रिएट होता है। इसमें ग्राफिकली हम देख सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व जो है आईसी कर्व है वो डाउनवर्ड जा रहा है वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस की तरफ, लेफ्ट टू राइट जा रहा है। यानी कि आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट मींस दैट आईसी हैज़ अ नेगेटिव स्लोप। ये इसको इंडिकेट करता है कि आईसी का कर्व जो है वो इन्वर्स रिलेशन शो करता है एक्स गुड और वाई गुड के बीच में, और ये आईसी कर्व के नेगेटिव स्लोप को बताता है। यानी कि दो कमोडिटी के कॉम्बिनेशन से, कमोडिटी एक्स या कमोडिटी वाई के कॉम्बिनेशन से कंज्यूमर किसी एक गुड पे रैंक दे रहा है, चॉइस मेकिंग कर रहा है, ये इसको इंडिकेट करता है। इट इंडिकेट्स दैट इफ़ द कंज्यूमर डिसाइड टू हैव मोर ऑफ वन गुड ही मस्ट हैव लेस ऑफ द अदर। इसमें यही बताया गया है कि एक गुड्स को अगर कंज्यूमर प्रेफरेंस ज़्यादा देता है तो अनादर गुड की जो वैल्यू है वो उसके बिहेवियर में कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताएगी कि गुड्स एक्स गुड वाई दोनों सेम नेचर के कमोडिटी है, दोनों में से किसी एक गुड पे उसका सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो गया, अनादर पे सेटिस्फेक्शन डिक्रीज हो गया। तो इट इंडिकेट्स इनवर्स रिलेशन बिटवीन एनी टू कमोडिटीज़ और कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज़। सेकेंड पॉइंट बताया गया है यहाँ पे, इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स रहता है ओरिजिन से। कॉन्वेक्स का मतलब इसका जो स्लोप है वो लेफ्ट टू राइट रहेगा, कॉन्वेक्स अपोजिट टू ओरिजिन, ओरिजिन के बिल्कुल अपोजिट रहेगा क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाता है और डिक्लाइन हो रहा है, नेगेटिव रिलेशन को भी इंडिकेट करता है। द स्लोप ऑफ आई सी डिक्लाइन बिकॉज द रेट ऑफ विच द कंज्यूमर सब्सटीट्यूट वन कमोडिटी फॉर अदर, इट इज़ कॉल्ड MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। स्लोप आईसी का डिक्लाइन है और एक रेट को भी बता रहा है जिसको हम कंसिडर करते हैं, दैट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कंज्यूमर के बिहेवियर को बताता है कि कंज्यूमर का किस तरीके से बिहेवियर चेंज हो रहा है किसी भी कमोडिटी को लेकर। एक गुड्स को सब्सटीट्यूट कर रहा है अनादर गुड्स के साथ, यानी कि एक गुड्स को से उसका सेटिस्फेक्शन डिक्रीज हो रहा है और दूसरे पर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो वन गुड को डिक्रीज करता है और दूसरे को यहाँ पर इंक्रीज करता है। इंपॉर्टेंट बात ये बताई गई है इसके अंदर कि आईसी कर्व का जो नेचर है कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, MRS का या डिमिनिशिंग का कर्व भी शो कर रखा है। एक्स और वाई कमोडिटी टू यूनिट्स एक्स और वाई 6 है, कुछ MRS चेंज नहीं आया, लेकिन 2 से 3 और 6 से 4.5, तो वाई एक्सिस में डेल्टा वाई 1.5 का माइनस का और एक्स में 1 का चेंज आया, तो ये 1.5 अपॉन 1.5 ये इस तरीके से चेंजेस बता रहा है। और आगे भी इस तरीके से हो रहा है कि 3 से 5 गया तो डेल्टा एक्स 2, डेल्टा वाई 4.5 से 3 तो 1.5 डेल्टा वाई माइनस का, इसी तरीके से 0.75 ये चेंजेस को इंडिकेट करता है। तो MRS एक रेट है जो कंज्यूमर की विलिंगनेस को बताता है कि एक गुड को सब्सटीट्यूट कर अनादर गुड से किस तरीके से करता है, और MRS को फॉर्मुलेट करा गया है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई से। तो MRS के बारे में ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद बताया गया यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडिफरेंस कर्व, हायर इंडिफरेंस कर्व जो होगा इंडिफरेंस मैप के अंदर वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करता है, इंडिकेट करता है। सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व वन अबव टू अदर और आईसी एज ड्रॉन इन अ ग्राफ इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप किसे कहते हैं जिसमें बहुत से आईसी बने हो, बहुत सारे आईसी कर्व इंडिफरेंस कर्व बने हो और उनका कलेक्शन, दैट इज़ अ इंडिफरेंस मैप। एक डेफिनेशन भी यहाँ पे आती है, हायर इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करता है कंज्यूमर के बिहेवियर के अकॉर्डिंग। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बताया गया इसमें। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिफरेंस कर्व डू नॉट टच और इंटरसेक्ट ईच अदर। इस ग्राफ में बताया गया कि इंटरसेक्ट कर रहा है और टच कर रहा है, लेकिन इस तरीके से यहाँ पे नहीं होता है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस का कर्व का नेचर है पैरेलल क्रिएट होना और इक्वली कॉम्बिनेशंस को ये शो करता है। इंडिफरेंस कर्व
का जो नेचर है फर्स्ट का वो सेकंड से बिल्कुल अलग होगा. सो दे कैन नॉट बी इंटरसेक्ट ईच अदर, दे आर पैरेलल नेचर ऑफ ईच अदर. ये हमेशा पैरेलल नेचर के होते हैं और इंटरसेक्ट यानी कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, क्रॉस नहीं करते हैं. ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका एक फीचर, एक इसकी प्रॉपर्टीज़ मानी गई है. नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, इंडिफरेंस कर्व डज नॉट टच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को टच नहीं करता, इसकी नेचर में भी इंप्लाई होता है. इन दिस इट इंप्लाइज दैट आई सी एनालिसिस कंसिडर द कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स इफ आई सी टच वाई एक्सिस, इट मीन्स कंजम्पशन ऑफ एक्स गुड इज जीरो. ये दोनों बातें बताई गई है इसने कि ये आई सी एनालिसिस कंसिडर करता है कि दो गुड्स का कंजम्पशन है. अगर आई सी टच करता है वाई एक्सिस को यानी कि एक्स जीरो रहेगा, और आई सी टच एक्स एक्सिस को टच करता है तो इट वुड बी कंजम्पशन ऑफ वाई गुड्स जीरो. तो ये दोनों के कंजम्पशन को जीरो लेकर नहीं आता, दोनों में सेटिस्फेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू को कंसिडर करता है. तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ना टच करना, ये इंडिफरेंस कर्व की सबसे बड़ी एक प्रॉपर्टी और एक सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट फीचर बताया गया है. सो इट इस वीडियो में हमने बात करी प्रॉपर्टीज़ और फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ये किस तरीके से इंडिफरेंस कर्व की वेरियस प्रॉपर्टीज़ मानी गई है. थैंक यू.